सो गाइज, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं iPad की, जो कि 8th जनरेशन है और इसी साल ये iPad लॉन्च हुई है। ये 10.2 इंच डिस्प्ले वाला मॉडल है और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं दो वेरिएंट, जिसमें 32 और 128 GB की स्टोरेज आती है। ये हमारे पास हाईएस्ट वेरिएंट है जिसमें आपको 128 GB स्टोरेज मिलती है। इसके साथ ये वाईफाई प्लस सेलुलर वाला मॉडल है जो कि आपको सबसे एक्सपेंसिव मिलता है इस iPad का। तो देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर आपको क्या कुछ स्पेक्स दी गई हैं और कैसी है ये नई iPad। तो अगर बॉक्स को देखें तो काफ़ी सिंपल पैकेजिंग की गई है जैसे कि बाकी एप्पल के प्रोडक्ट्स की होती है, और बैक में इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये बताया गया है कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों बॉक्स को खोल के कि इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले बॉक्स खोलते ही आपको ऊपर रखी हुई मिल जाती है iPad, जिसको हम एक बार निकाल लेते हैं और इसको एक बार साइड में रखते हैं, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा बॉक्स में आपको ये रखा हुआ मिलेगा एक और पैकेज, जिसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और इसके साथ ही आपको एप्पल के स्टिकर भी दिए गए हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको चार्जर भी मिलता है और ये काफ़ी कमाल की बात है क्योंकि एप्पल आईफोन 12 में ये आपको नहीं मिलता। साथ में इसमें लाइटनिंग केबल दी गई है, यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा अपग्रेड हो सकता था, और इस बार इन्होंने USB टाइप सी देनी चाहिए थी जैसे कि आपको iPad के बाकी मॉडल्स में मिलती है, iPad Air में और Pro मॉडल्स में। तो इनको दोस्तों रखते हैं साइड में और आते हैं हमारी iPad पे। तो सबसे पहले इसके ऊपर से कवर हटाते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम डिज़ाइन इस iPad का दिया गया है। इसके अंदर आपको यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन बैक में देखने को मिलता है और ये हमारे पास ग्रे कलर में अवेलेबल है। अगर इसके ओवरव्यू की बात करते हैं तो 7.5 mm आपको इसकी थिकनेस देखने को मिलती है। ऊपर आपको पावर बटन देखने को मिलता है जिसके साथ में हम इसको पावर ऑन कर लेते हैं। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो साइड में आपको एक कनेक्टर मिलेगा जिससे कि आप इसमें स्मार्ट कीबोर्ड लगा सकते हैं। बैक में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे दिया गया है और साथ में आपको इसमें ऑडियो जैक भी मिलता है जो कि iPad Air से हटा दिया गया है। बॉटम में आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिलेंगे, इसके साथ में आपको लाइटनिंग केबल पोर्ट मिलेगा। अब जल्दी से इसका सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में और बात करेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ है वो है इसके प्रोसेसर में। इस बार इसमें आपको A12 बायोनिक चिप दी गई है जो कि काफ़ी कमाल की है। अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो 10.2 इंच की डिस्प्ले है जो कि IPS LCD पैनल है। इसके साथ ही 500 निट्स तक की इसमें ब्राइटनेस दी गई है। इसमें आपको एप्पल पेंसिल का सपोर्ट मिलेगा जो कि फर्स्ट जनरेशन पेंसिल थी, सेकंड जनरेशन का सपोर्ट इसमें नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों इसकी सिर्फ अनबॉक्सिंग की है हमने, इसके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे और इसका कंप्लीट रिव्यू भी आपको चैनल पे मिलेगा। अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो इस मॉडल की प्राइसिंग फिलहाल इंडिया में 50,000 रुपये है। अगर इसका सिर्फ वाईफाई वेरियंट लेना आपको 128 GB में तो शायद 37,000-38,000 के आसपास मिलेगा, और वहीं पर 30,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है जो कि आपको मिलता है 32 GB वेरियंट। अगर इस iPad की मेन हाइलाइट्स की बात करते हैं तो सबसे पावरफुल तो है इसका प्रोसेसर। A12 बायोनिक चिप काफ़ी पावरफुल है, चाहे आप गेमिंग करें, चाहे आप कोई भी मल्टीटास्किंग करें या वीडियो एडिटिंग करें, काफ़ी फ्लॉलेस एक्सपीरियंस आपको इस iPad में मिलता है। लेकिन अगर आप ये वेरिएंट लेना चाहते हैं 50,000 का, तो इससे अच्छा आप iPad Air की तरफ जाइए जो कि आपको 55,000 में मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको टच आईडी का सपोर्ट मिलता है, 9 से 10 घंटे का इसमें आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, और क्योंकि ये सेलुलर मॉडल है तो इसके अंदर सिम का भी सपोर्ट दिया गया है जो कि 4G सिम आप लगा सकते हैं। तो यही कुछ आपको iPad 8 में देखने को मिलता है जो कि सबसे बड़ा अपग्रेड है इसका प्रोसेसर। तो इसी के लिए ये iPad काफ़ी अच्छी है क्योंकि काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलती है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।